रेमो की डील हुई है, रेमो को चाहिए हाफ स्लीव। तो रेमो ने डिसाइड किया है कि भोपाल में खुला है 5-स्टार होटल ताज, तो वो ताज ताज पड़ी था। मुन्ना भाई जान, मुन्ना भाई जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप भाई चक्रवर्ती, जिसने काफी अच्छे से वो टैटू कंप्लीट करा लिया। तो अभी तो पूरा स्वेल हो रहा है, रेड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा लुक आया और टैटू का रिजल्ट इतना अच्छा। हाय एवरीवन, माय नेम इज जयप्रकाश श्रीवास। सो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। सो काफी टाइम बाद में ब्लॉगिंग में वापस आया हूँ, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा हो रहा है, सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो आज थोड़ा ब्रेक चल रहा था मेरा और आज मैं आया हूँ ब्लॉगिंग करने। मैं बना रहा हूँ बहुत ही स्पेशल टैटू, बहुत ही बड़े लीडर है महाराज का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का टैटू है ये। तो आप देख सकते हैं पूरा कंसेप्ट, फुल डिजाइन है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिएटिव सा वर्क होने वाला है इसमें। तो आज का दिन इसमें चला जाएगा और ये टैटू बना रहा हूँ मैं किसी क्लाइंट को नहीं, अपने ही स्टूडेंट के हाथ पे, क्योंकि वो आया था महाराष्ट्र से, बॉम्बे से है वो, और उसका टैटू का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो यहाँ से जाने वाला है। उसने गिफ्ट में एक टैटू मांगा है, तो हमने फाइनली डिसाइड किया वो महाराज का पोर्ट्रेट बना रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा डिज़ाइन है और ये टैटू बनने वाला अपने भाई चक्रवर्ती को, संजू नाम है इसका। कैसा है संजू भाई, ठीक है? एक नंबर। कंप्लीट कराएगा ना? हाँ कराऊंगा। पेन होगा भाई, याद रख। नहीं नहीं कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा। तो संजू भाई का हम टैटू बनाने वाले हैं। यहाँ पे सेठ लेट आया हमेशा की तरह, सेठ ने सारी चीज़ें तैयार कर दी है। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ टैटू, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। हमारा प्लान था बट हम नाश्ता करना था सेठ को, नाश्ता आया फिर नाश्ता किया फिर उसके बाद अब काम करने जा रहे हैं हम लोग। तो स्टार्ट करता हूँ मैं टैटू, कंटिन्यू ब्लॉग देखते रहिए। स्टार्ट कर चुके हैं सर टैटू, इसी बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया हमने, हमने सोचा कि चाय पी जाए, और चाय सुबह का आए जल्दी आ गए थे, गए नाश्ता तो कर ही लिया था मैंने आते के साथ, भूख लग रही थी बहुत ज्यादा। लोग बोलते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ, आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? आगे सर को भी खिला दिया, क्योंकि जब जो टैटू करने बैठते तो गाइस कुछ भी नहीं खाते। मैं डाइट प्रो, मैंने कुछ नहीं। नाम है बुल्ला। बाकी मेरा भाई का एक्सपीरियंस कैसा है? एक नंबर। चाय पिएगा? नहीं चाय नहीं, चाय नहीं पीता गाइस, ये दारू पीता, दारू। ओके डुन 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 डुन। आगे निको भी आ गया है, सब लोग आ चुके हैं, अभी धीरे धीरे आना है वहाँ पे। एक और टैटू है जो कि रेमो भैया वहाँ पे कंसल्टिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू देखते रहिए ब्लॉग। चाय पियो। सो गाइस कंटिन्यू चल रहा है टैटू, तो एक छोटा सा ब्रेक लिया था, सभी लोग यहाँ पे पीनट्स खा रहे हैं। बाहर का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बारिश हो रही है। अक्की अभी थोड़ी देर पहले गया था घूमने, पता नहीं किसी के साथ कोई आई थी नीचे जो अक्की के साथ गई थी घूमने, चाय वाय पी के आ गया वो। तो अक्की भाई कैसी रही डेट? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, अक्की भाई की डेट वो कम्प्लीट करके आ गया है यहाँ पे, अभी सभी लोग बैठे हुए हैं। और चक्रवर्ती भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि सर कितना भी पहनो मैं ये टैटू कंप्लीट जरूर कराऊंगा, टैटू का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, बस अगर ये प्रॉपर अच्छे से बैठेगा तो। मैं सबसे बोलना चाहता हूँ ऐसा है कि मर्द को दर्द नहीं होता, होगा। तो थोड़ा सा वर्क और करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लंच कर लेंगे, फिर कंटिन्यू चलता रहेगा टैटू। सो गाइस कंटिन्यू चल रहा है टैटू, भेजिया भाई भेजिया खाना खा ले। तो हम लोगों ने लंच निकाला है, सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लिया है, तो खाना खा लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं टैटू। तो पेन थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा है, बट अभी ऊपर का जो पोर्ट्रेट है, जो मेन वर्क बचा हुआ है, वो तो अभी स्टार्ट करेंगे। सो फिलहाल खाना खाते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू काम में लग जाते हैं। कंटिन्यू टैटू स्टार्ट कर दिया, हम लोगों ने खाना खा चुके हैं। भाई को वापस से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वाइट हो रहा है ना सर, कंप्लीट करते हो जा रहा है टैटू। तो सर कितना टाइम लगने वाला है अपन को इसमें? आप भी ठीक करके देता हूँ। का कुछ प्लान था ना अपना सर, तो भाई पार्टी है, चक्रवर्ती भाई का टैटू है, तो चक्रवर्ती भाई की तरफ से पार्टी दे रहा है गाइस। वो जा रहा है ना, उसका कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो जाने से पहले उसने सोचा कि पार्टी दे दिया। पार्टी कब देगा भाई?
सो गाइस कंटिन्यू टैटू चल रहा था और बहुत ज्यादा डिटेल वर्क है आज के टैटू में, तो काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, बट टैटू का रिजल्ट उतना ही अच्छा आने वाला है। तो जो मैं बना रहा हूँ टैटू, और आज का टैटू तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है मेरे लिए भी, बनाने में भी मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आज का टैटू एक महान छत्रपति शिवाजी महाराज जी का टैटू है, और नीचे का जो टैटू है जो हॉर्स पे बैठे हुए हैं महाराज, उनका पोर्ट्रेट जो है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, तो मैं वो रिजल्ट दिखाता हूँ उसका, और ऊपर वाले पोर्ट्रेट पे करता हूँ काम। तो भाई चक्रवर्ती ठीक है ना तू? ठीक है सर। तो अभी दिखाता हूँ मैं नीचे वाला जो टैटू जितना बन चुका है उसका रिजल्ट। भाई तू भी कुछ कर ले। कंटिन्यू टैटू स्टार्ट है और टैटू कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं डिनर पे। नाइट ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा वक्त बाकी है, नीचे का वक्त ख़त्म हो गया है और हमारे चक्रवर्ती भाई को पेन भी ज़्यादा होने लगा है। बाकी सपोर्ट करने के लिए रेमो भैया बैठे हैं। भाई क्या बोल रहा था, कैसा एक्सपीरियंस? कम हो रहा है नीचे से, कम हो रहा है पेन नीचे से, कम हो रहा है क्योंकि वो हो चुका है ना। बाकी रेमो भैया बैठे हैं, रेमो भैया का भी टैटू होने वाला है। कौन सर? पार्टी लगती है जो मालूम है ना, उन्होंने बोला तो ताज में पार्टी देंगे। वो अपन स्ट्रॉन्ग मैन ने रेमो की डील हुई है, रेमो को चाहिए हाफ स्लीव, तो रेमो ने डिसाइड किया है कि भोपाल में खुला है 5-star होटल ताज, तो वो ताज ताज मुन्ना भाई जान मुन्ना भाई करीम सॉरी सर, ताज की डील हुई है, ताज में देगा ये डिनर मुझको, तब इसको मनाऊंगा टैटू। तो गाइस यहाँ पे डील हुई है ताज में पार्टी देने की, बाकी होगा यार रेमो भैया देंगे पार्टी, तो बाकी कंटिन्यू देखते रहिए। अभी भूख लग रही थी, मैंने खा लिया था खाना, उन लोगों को भी कुछ खिला दिया मैंने। मैं कुछ नहीं खिलाया, तुमने खाया नहीं, तुम तो डाइट पे हो ना। तो गाइस कड़ी मेहनत के बाद हमारा हो गया है टैटू ख़त्म। तो ये है हमारा भाई चक्रवर्ती, जिसने काफ़ी अच्छे से वो टैटू कंप्लीट करा लिया। तो अभी तो पूरा स्वेल हो रहा है, रेड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा लुक आया और टैटू का रिजल्ट इतना अच्छा, तो इसका प्रॉपर वीडियो शूट करके मैं इस ब्लॉग में आगे जोड़ दूंगा। चक्रवर्ती भाई कैसा लगा? चक्रवर्ती भाई इतना खुश है कि उसने बोला कि सर आज के डिनर का पार्टी जो है वो मेरी तरफ से। हमने जिद नहीं करते, हमने बोला ठीक है तू जिसमें खुश हम उसमें खुश, तो इसलिए रेमो भाई और हमने डिसाइड किया। नहीं रेमो भाई का टैटू करके दूंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन रेमो भाई मुझको ताज में पार्टी देगा तभी। इतना कमाता है, थोड़ा तो खर्च कर भाई, 3 साल से मेरे साथ, लेकिन कभी नहीं इसने खर्च किया ऐसा। हाँ, नहीं है बहुत कुछ, के दिन मैंने 20 की फुल्की खिलाया था। हाँ खिलाया था इसने तो ये खर्च किया है इसने, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस बार थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हो जाए और ताज में पार्टी दे दे। बाकी यहाँ पे पाजी भी आ गए, फुल रेडी हो गए क्योंकि आज डिनर पे चलना है, तो फटाफट पैक करते हैं और डिनर के लिए निकलते हैं, और इसका प्रॉपर शूट इसमें हम एडिट कर देंगे। अक्की भैया चलें? चलो ठीक है। फाइनली हो चुका है हम लोगों का डिनर, और आज की पार्टी थी चक्रवर्ती भाई की तरफ से। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, गीले हो चुके हैं, और हम लोग आए थे यहाँ पे डिनर करने। आप लोगों ने टैटू भी देख लिया होगा, अगर टैटू पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मैं ब्लॉग को कर रहा हूँ एंड, और यहाँ से आते हैं हम घर। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आज का टैटू कैसा लगा।